रितेश एंड जेनेलिया देशमुख की वेद हो चुकी है सुपरहिट। फर्स्ट 8 दिन में ही वेद ने कमाया है मोर देन 23 करोड़ और ये मूवी ऑलरेडी 8 करोड़ की प्रॉफिट कर चुकी है। ये क्वाइट एन अचीवमेंट है फॉर ए रीजनल मूवी। आप सबको पता है वेद इज अ रीमेक ऑफ द तेलुगु मूवी मजिली। मजिली अवेलेबल है यूट्यूब पे, बहुत लोग इसको देख भी चुके हैं। उसके बावजूद वेद देखने के लिए लोग थिएटर में क्यों जा रहे हैं? Well, there are quite a few reasons. Number 1, people of Maharashtra and outside love both Ritesh and Jenalia. They love them as a couple and see them as an example of ideal couple. And Ved is based on the strange relationship between a married couple. Also, Ritesh Deshmukh ke directorial debut thi, so local people heavily supported the local hero. Number 2, the aggressive campaigning. They went all out to promote the movie. Ritesh and Jenalia appeared everywhere on reality shows, on media scrums, on every platform to promote the movie and the songs. Number 3, the songs by Ajay Atul. Majili के साथ इस फिल्म की मेन डिफरेंस है वेद की गाने, composed by the legendary duo Ajay Atul. आपको लैंग्वेज समझ नहीं आए तब भी just listen to the beautiful melody. वेद तुझा, वेद लावले, बेसुरी, सुख कालाले, वैश्रेया, ये सारे गाने चार्टबस्टर्स हैं। नंबर 4, the सलमान खान फैक्टर। सलमान खान के साथ वेद लावले सॉन्ग एंड द हुक स्टेप पूरे इंडिया में वायरल हो चुका है। सलमान खुद इस मूवी को प्रमोट किया था ऑन मल्टीपल ओकेजंस। नंबर 5, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द स्टोरी इज वेरी रियलिस्टिक। ये जो लॉस्ट लव की सदमा बर्दाश्त करना एंड उसके बाद बाउंस बैक करना और फिर से यू फॉल इन लव विद समवन एंड योर लाइफ, इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। सो एट द एंड ऑफ द डे क्रेडिट गोज टू शिवा निर्वाणा, द राइटर ऑफ माजुली एंड वेद। गाइस, इफ यू लाइक माय बकवास, प्लीज सब्सक्राइब करना और थोड़ा हौसला देना। थैंक यू।